पाठ तीन महानगरां दी जीवन शैली। बेटा आओ, मैं तुहानू तुहाडे नवे जमाती गौरव नाल मिलाउंदी हां। मैडम जी, एह कित्थों आया है? बेटा, एह मुंबई शहर विचो आया है। अच्छा जी, फिर ता एह फिल्म नगरी विचो आया है, एहनू ता उत्थे बहुत मजा आउंदा होवेगा। बेटा जी, तुसी बिल्कुल ठीक कहा, एह फिल्म नगरी मुंबई विचो ही आया है। मैडम जी, एह मुंबई है किथे ते उत्थे लोकां दा जीवन केहो जेहा है? बेटा, मुंबई एक महानगर है ते उत्थों दा जीवन अते लोकां दा रहन सहन साडे पिंडां नालों बहुत अलग है। आओ, अज मैं तुहानू महानगरां दी जीवन शैली बारे दसदी हां। उच्चियां इमारतां विच निक्के निक्के लोक ने, रंगा परे शहर विच फिक्के फिक्के लोक ने। अपना एह शेर सुनाउंदियां बाऊलाल अक्सर ही उदास हो जांदा है, ते इसे संदर्भ विच मैनू भी एक पाकिस्तानी शेर याद आ जांदा है। ज्यों ज्यों उच्चे कोठे हो जांदे ने, त्यों त्यों बंदे छोटे हो जांदे ने। एह दोवे शेर महानगर दे उना मनुखा दी तस्वीर पेश कर दे ने, जिना विचो मोहब्बत बिल्कुल ही मनफी हो गई। एह साडे समया दा किन्ना वड्डा दुखांत है के बंदा सिर्फ अपने तीक ही महदूद होके रह गया है। रंग ढंग देख के कई वार बाबा बखतौरा भी उदास हो जांदा है, पर बाऊलाल तो बाबे बखतौरे दी उदासी किथे देखी जांदी है। ते ओहो गल नू बदलदा होया बाबे बखतौरे मूरे हरी सिंह नलुए दी वार सुनाउण दी फरमाइश कर दिंदा है। ओदो बाबे बखतौरे दे चेहरे ते एक नूर जिहा आ जांदा है, ते ओहो पूरे जोश नाल नलुए दी वार सुना के साथ विच बैठे सब सजना विच भी जोश भर दिंदा है। बाऊलाल दसदा है, जदों ओह अपने प्यारे पिंड दियां गलियां विच फेरी मारदा है ता उसनू शहर वांग रुक रुक के तुरन दी लोड़ नहीं पैंदी, ते ना ही उसनू उटिकना पैंदा है कि कोई उसनू पिछों आवाज मारेगा। उत्थों ता पैर पैर ते मोहब्बत भरे लोकां दा साथ मिलदा है, ते मोहब्बत भरियां गल्लां तुरदियां हन। पिंड दे पवित्र रिश्तियां नू ओह सलाम करदा है। चाचियां, ताईयां ते भाबियां विच घिरिया बाऊलाल उस वक्त महानगर नू याद करना भी एक गुनाह समझदा है, पर फिर महानगर विच पहुंच के उसकी सारी मस्ती हवा हो जांदी है। महानगर दे स्वार्थी ते गरजा नाल बद्दे रिश्तियां तो उसनू अंता दी चिड़ है, ते इना स्वार्थी लोकां ते रिश्तियां तो दुखी होया ओहो अक्सर ही अपने शेर सुना के उदास हो जांदा है। कुछ ना खटिया सगों गुआया, महानगर विच क्यों मैं आया? महानगर विच सिर ही सिर ने, दिसे ना है पर किसे दसाया। वाकई ही बाऊलाल दे उपरोक्त शेरा विच किन्नी वड्डी सच्चाई छुपी हुई है। इस विच पौरा भी शक नहीं के महानगर विच व्यापारी ते स्वार्थी किस्म दे लोग ता पैर पैर ते मिल जांदे हन, पर मोह मोहब्बता नाल लबरेज एक भी शख्स लब्या भी नहीं लभदा। हुण बाऊलाल उदास होया बैठा है, ते एह वी आखदा है कि एक वेला सी जदों घर आए मेहमान नू देख के पूरे टब्बर नू तां की सगों आंडियां गुआंडियां नू वी चा चढ़ जांदा सी, पर अजोके दौर विच घर आए मेहमान नू फिक्की जेही मुस्कान ते अणमन्ने एक दूजे नाल दुख सुख वंडाउण वाली गल हवा ही हो गई है। महानगर विच रहंदियां बाऊलाल अक्सर ही गुआचा गुआचा जेहा रहंदा है। ओहो इस गल नू चंगी तरह जानदा है कि महानगर दी भीड़ अखां बंद करके तुरन दी आदी है, पर फिर भी ओहो इस आस नाल सड़कां ते चहल कदमी करदा है कि शायद कोई मोहब्बता भरिया शख्स मिल जावे। इसे लई ओहो महानगर दियां सड़कां ते हौली हौली तुरदा अपनी ही एक गजल दा शेर गुनगुनाउंदा है। शहर दियां सड़कां ते तुरिए रुक रुक के शायद कोई पिछों वाज ही ना मार लवे, पर महानगर दे बंदियां कोल आवाज मारन दी वेल किथे है? ओहो महानगर दे लोकां विच इस अन्नी दौड़ नू देख के मन ही मन विच
ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਉ ਲਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਤੌਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਉਹ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਉਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ। ਉਹ ਇੰਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਜਹਾਨ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ: ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਅਪਣਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ।